टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट कोरोना वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी, अगले दो हफ्तों में उपलब्ध होगा टीका। गोवा में एंट्री के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या कोविड 19 वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना हुआ अनिवार्य। बजरंग पुनिया ने भारत के लिए जीता कांस्य से, ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला। तालिबान ने अफगानिस्तान की दूसरी प्रांतीय राजधानी शहर पर कब्जा किया। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी आज पहली बार सितारगंज पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पवार ने कहा कि 2022 के चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। रोजगार का दावा करने वाली भाजपा सरकार में आज लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। तो सितारगंज में आज कांग्रेस की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया है। आज आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता आज सितारगंज पहुंचे हुए थे, जिसके बाद भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। वहीं बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया है। कांग्रेस ने दावा जताया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करने वाली है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में लाई गई हैं, उन्हें सभी संबंधित विभागों से बात कर उचित समाधान निकालने का वह प्रयास करेंगी। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि जिले की जन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही की जाएगी। अल्मोड़ा में पेयजल, यातायात और अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही इस वक्त जारी है। तो अल्मोड़ा में डीएम की बैठक देखने को मिली है, जहां पर जिले की समस्याओं पर उन्होंने चिंतन मनन किया है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को जो भी इस वक्त समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, चाहे वो पूरी समस्या अतिक्रमण की हो, पेयजल की हो या यातायात की। अल्मोड़ा में इस वक्त जिस प्रकार की भी समस्याएं निकलकर सामने आ रही है, उन सभी के विभागीय स्तर पर कार्यवाही के आदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें पर्यटन भी है और अन्य विकास के जो रेखीय विभाग हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है कि सभी विभागों के साथ जो उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता को मिले और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स वर्तमान में चल रहे हैं और भविष्य में चल सकते हैं, उन पर हम लोग संभावनाओं को। तो अल्मोड़ा में आज बैठक आयोजित की गई है, जहाँ पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से नगर में फैली समस्याओं पर जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया कि अल्मोड़ा में जिस भी प्रकार की समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है, उन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। तो डीएम इस वक्त आपको बता दें कि उनकी बैठक आज देखने को मिली है अल्मोड़ा में। पूरा बैठक आयोजित की गई, जहां पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर जानकारी हासिल की है। आपको बता दें कि लगातार कलेक्ट्रेट सभागार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले सामने आए, जहां अल्मोड़ा में कई तरीके की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की थी, जहाँ पर उन्होंने संबंधित विभागों से कई मामलों में
तो जल्द से जल्द कार्यवाही के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। आपको बता दें कि इस वक्त जन समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान है डीएम अल्मोड़ा की, जिसके बाद इस तरीके से कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त अल्मोड़ा में मुख्य तौर पर पेयजल, यातायात और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिसके बाद अब विभागीय स्तर पर कार्यवाही के आदेश जारी किए जा चुके हैं। अल्मोड़ा नगर में लगातार घरेलू नालों में गंदा पानी और समय पर पानी की आपूर्ति न होने से नगरवासियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। नगरवासियों ने पूर्व विधायक मनोज तिवारी और जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जल संस्थान अभियंता का घेराव किया। पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा नगर में जल संस्थान की लापरवाही से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। अगर जल्द ही इस पूरी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है और लगातार जनता द्वारा मांग की गई कि हमें पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और जल संस्थान के जो अधिकारी हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी अव्यवस्था को देखते हुए वितरण प्रणाली सही नहीं होने पर, सही समय पर पानी न आने पर, इस वजह से आज पूरे कांग्रेस के साथियों ने आज अधिशासी अधिकारी का यहाँ पर घेराव किया है और चेतावनी दी है कि अगर 2-3 दिन में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होती है तो हम जुलूस के माध्यम से, तालाबंदी के माध्यम से इस सरकार को, इस प्रशासन को, इस वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे अल्मोड़ा संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिनेश, इस वक्त जिस तरीके से जल संस्थान में स्थानीय लोगों का घेराव देखने को मिला, जहां जल कल विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगे हैं, क्या कुछ मामला सामने आया है? जी, असल में ये बहुत लंबे समय से ये समस्या चलती आ रही है। जब भी यहाँ बारिश होती है तो जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं बनी हुई है पुराने जमाने से, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और लगातार जब भी बारिश होती है तो जो पानी आता है, एक तो या तो 2-3 दिन आता ही नहीं है, पंप की समस्या बता दी जाती है, और जब आता है तो गंदा पानी आता है। कोई फिल्ट्रेशन की इतनी उचित व्यवस्था यहाँ पर अभी तक भी नहीं बन पाई है। इसको लेकर समय समय पर तमाम तरीके के आंदोलन हुए हैं, लेकिन अभी तक उस पर पूरा पूरा संज्ञान अभी तक लिया नहीं जा रहा है। और इस बात को लेकर कल जो नई डीएम आई है उनको भी इस बात पर पत्रकार सम्मेलन पे भी ये बात उठी है और आज ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस के मनोज तिवारी के नेतृत्व में, पूर्व विधायक जो थे उनके नेतृत्व में किया गया है और फिर एक अल्टीमेटम जनता ने दिया है और लगातार मोहल्लों से अलग अलग तरीके से ये विरोध उठता रहता है, लेकिन अभी इसका समाधान अभी तक उचित नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से आज लोगों का घेराव देखने को मिला, जहां पर संबंधित अधिकारियों को जल संस्थान में जाकर एक बार फिर से पूरे मामले से अवगत कराया गया है, ऐसे में आला अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आया है? असल में एक जो नई जिलाधिकारी हमारे आई है यहां पर, उनके साथ एक पत्रकार वार्ता में भी ये सवाल हम लोगों ने किया था और उन्होंने कहा है कि इस पर मैं जल्दी ही, क्योंकि वो नई नई आई है तो उन्होंने कहा जो समस्याएं आप लोगों ने उठाई हैं इसको मैं तुरंत संज्ञान में लूंगी और इसके बाद अधिकारियों से बात करके इसका जो भी कोशिश होगी मेरी वो मैं करने की कोशिश करूंगी। अभी तक ये बात हुई है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अल्मोड़ा से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जलकल विभाग पर इस वक्त लापरवाही करने के आरोप लग रहे हैं, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, जहां पर उन्होंने कहा है कि पानी की सप्लाई इस वक्त अल्मोड़ा में काफी खराब हो चुकी है, जिसको लेकर आज घेराव किया गया है जल निगम का, जिसके बाद अब लोगों से पूरी तरीके से मांग की जा रही है कि प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। वहीं पिरान कलियर क्षेत्र के बड़पुर गांव में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राठी ने ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही है सरकार की गाइडलाइन रखते हुए लगाई जा रही है। जो कैंप लगाया गया उसमें अभी तक 100 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अभी तक 10 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दूसरे गांव से भी लोग आ रहे हैं, मुकरपुर है जैसे कि माजरी बैरपुर, सभी लोग आ रहे हैं। ठीक ठाक वैक्सीनेशन चल रहा है। पहले जब फर्स्ट बार यहाँ वैक्सीन लगती 10 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाए थे, अब काफ़ी लोग उत्सुक है लगवाने के लिए और लगवा भी रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है।
वहीं पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़कों से परेशान क्षेत्र के लोग लगातार दूसरे दिन भी धरना दे रहे हैं। धरने को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने जांच कमेटी का गठन किया है, लेकिन धरना दे रहे आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। बिनौली, माल, अंगोठ, मेला, मैदुनी के लोगों ने कहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद ही वो धरना स्थगित करेंगे। आज धरने को अपना समर्थन देने यूकेजी के नेता केएल शाह और उमेश खंडूरी भी घटना स्थल पर पहुंचे। आज हम हरक सिंह के मकान का आकलन के लिए गए थे। वहाँ पे जो उनका जो मकान में जो रोड के पास में जो बाथरूम का जो छोटा सा कमरा था और प्रथम तल और द्वितीय तल में वहाँ पे हमने देखा तो उसका पूरा आकलन, उसका मेजरमेंट किया गया है और उसके आधार पे ही पीएमजीएसवाई। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे चंबोली संवाददाता सुरेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेन, जिस तरीके से आज पीएमजीएसवाई के निर्माणाधीन सड़कों से परेशान होकर लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, ऐसे में तहसीलदार परिसर में लगातार धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी अनुष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमजीएसवाई की जो निर्माणाधीन यहाँ पे जो भी सड़कें हैं उन तमाम सड़कों से जो ग्रामीण है, जहाँ भी वो सड़कें बननी है, उन ग्रामीणों का ये कहना है पीएमजीएसवाई की जो सड़कें बनती हैं उनसे उनको सुविधाएं कम और असुविधाएं ज्यादा हो रही हैं। असुविधाएं का मतलब है कि जो उनके खेत खलिहान, जो उनके गौशालाएं हैं, मकान हैं, जो उनके जलाशय हैं, उनके जल स्रोत हैं, उनके इर्द गिर्द जो सड़कें काटी जाती हैं, उन सड़कों को काटने में इतनी अनियमितताएं बरती जाती हैं कि लोगों को ये कहना है कि जब सड़कें काटी जा रही होती हैं तो पीएमजीएसवाई का कोई भी जो तकनीकी पक्ष का जो आदमी है वहाँ पे, जो जेई है वो रहते नहीं है। वहाँ पे जो जेसीबी ऑपरेटर होते हैं या आम मजदूर होते हैं वो सड़क काटते हैं, तो इस लिहाज से, इस कारण से जो तमाम जो ग्रामीणों के जो जमीनें चली जाती हैं, मकानों के इर्द गिर्द जो दरारें पड़ जाती हैं वो मेन विषय होते हैं। और जो जनता कभी भी अगर पीएमजीएसवाई के अधीनस्थ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे अगर शिकायतें भी करते हैं तो वो उनकी शिकायतों को लगातार अनदेखी करते हैं और मजबूरन होकर के जनता को आज जो लामबद्ध जो आंदोलन करना पड़ रहा है वो धरने पर बैठे हैं। और ये स्थिति भविष्य में और भी भयंकर बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है अधिकांश सड़कें हैं जो लोक निर्माण विभाग से हटा करके पीएमजीएसवाई को दी गई हैं और अधिकांश सड़कें हैं जो है करोड़ों अरबों खरबों की जो लागत से जो सड़कें बननी है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो अवैज्ञानिक तरीकों से जो सड़क जो कटान होती हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं जो भूस्खलन और जो सड़कें बार बार जो स्लाइड हो जाना, भूस्खलन हो जाना, जहाँ लोगों के पेयजल लाइनों का क्षतिग्रस्त हो जाना, लोगों के घरों के इर्द गिर्द जो दरारें पड़ जाना, तो ये कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक तरीकों से जो सड़क का जो कटिंग है वो होता है, जो समरेखण के समय जो समरेखण होता है वो समरेखण कहीं और चला जाता है, क्योंकि तकनीकी पक्ष वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है साइड पे खड़ा नहीं होता और जो जैसे भी ऑपरेटर होते हैं, जो उनके अधीनस्थ जो मजदूर होते हैं वो अपने हिसाब से सड़कें काटते हैं, तो इस लिहाज से जो है लोगों की जो नुकसानदायक होते हैं। और अभी जो जहाँ पे जो आंदोलनकारी जो तहसील में कल से लगातार बैठे हैं उसमें आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2017 में मीन गधेरा, डंगतुली, छनेल, मरोड़ा की जो सड़क कटी है, हालांकि उस सड़क पे अभी जो प्रथम चरण का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ और उसके बाद ही जो द्वितीय चरण के काम भी हो गए हैं, आधी सड़क पे डामरीकरण भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के भूमि का प्रतिकर है वो अभी तक लोगों को नहीं मिला, जो लोगों के जल रास्ते पेयजल जो स्रोत नुकसान हुआ उसका भी प्रतिकर नहीं मिला है और नहीं पीएमजीएसवाई ने उनका निर्माण कार्य जो क्षतिपूर्ति है वो कराया है। और इससे परेशान होकर के ग्रामीणों ने कल से जो धरना प्रदर्शन जो उनका अल्टीमेटम उन्होंने पहले एसडीएम महोदय के हवाले से दिया था जिलाधिकारी को और जो 15 दिन का समय दिया था उस बीच उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उस सुनवाई नहीं होने के एवज में जो कल से उन्होंने धरना प्रदर्शन तहसील में शुरू कर दिया। और एक महत्वपूर्ण और बात मैं बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे गढ़कोट नाम का स्थान है वहाँ पे जिलाधिकारी चमोली का जो जनता दरबार वहाँ पे लगा था, वहाँ पे भी प्रमुखता से पीएमजीएसवाई की जितने भी सड़कें हैं विकासखंड के अंतर्गत पिंडर घाटी में बननी है वहाँ पे तमाम तरह की शिकायतें जिलाधिकारी के दरबार में, जनता दरबार में उठाई गई थी और वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जो स्वाति एस भदौरिया है यहाँ निवर्तमान जिलाधिकारी थी उनके सामने रखी गई थी, उन्होंने तत्काल वहाँ पे उप जिलाधिकारी समेत और पीएमजीएसवाई लोक निर्माण विभाग के जो तमाम आला अधिकारी थे उनको निर्देश दिया था कि तुरंत ही यहाँ पे जनता की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए।
उसके बावजूद भी यहाँ पे जो PMGSY है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, चाहे प्रशासन के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने जिलाधिकारी के आदेशों का किस प्रकार ठेंगा दिखाया ये तो वही जाने। और दूसरी बात ये थी कि जो सांसद महोदय जो निवर्तमान मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो वर्तमान में सांसद भी हैं, तो उनको भी यहाँ एक कार्यक्रम में विकासखंड नाड़ोगढ़ में आए थे, तो उस समय भी लोगों ने PMGSY की कार्य प्रणाली, जो उनकी सड़कों के निर्माण में कार्य प्रणाली, उस पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए थे और वहाँ पे भी तमाम तरह की जो शिकायतें दर्ज की गई थी। वहाँ पे सांसद महोदय तीरथ सिंह रावत जी ने भी वहाँ पे जो अधीनस्थ अधिकारी संबंधित विभाग के कर्मचारी गण थे उनको भी तुरंत इन सड़कों पे जांच कर करके यहाँ पे जनता के समाधान के लिए बात कही थी। लेकिन ये PMGSY है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, इतने ढीठ विभाग है कि जो अपने जो बड़े नेता है, मंत्री हैं, जिलाधिकारी हैं, इनके भी जो निर्देशों को नहीं मानते हैं, ये कारण तो वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल है कि जनता जो है, जनता ये PMGSY की सड़कों से बहुत ही परेशान है, ये मनमर्जी से सड़कें काट रहे हैं, मनमर्जी से लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि नुकसान का जो क्षतिपूर्ति है, जो उनका पुनर्निर्माण है, उनके रास्तों का है, पेयजल का है, जल स्रोतों का है, चाहे गौशालाओं का है, चाहे मकानों का है, पुनर्निर्माण की दिशा में ये कोई काम नहीं करते हैं, सालों साल जनता को ये भटकाने का काम करते हैं। और आज ये स्थिति है, जनता को मजबूर होकर के ये आंदोलन आज धरना प्रदर्शन करने पे की नौबत आई है, जनता मजबूर है। और जनता का ये भी कहना है, आज इसमें एक और चीज है आई है कल से जी अनुष्का, की कल जो धरना यहाँ पे शुरू हुआ था, वहाँ पे अभी जो वर्तमान में उप जिलाधिकारी थराली है सुधीर कुमार जी, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने कल ही जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बदहाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर तहसील परिसर में ग्रामीण धरना देने को मजबूर है। वहीं SDM ने भी जांच कमेटी के गठन के आदेश दे दिए हैं, बावजूद इसके लोग हैं कि वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। पिंडर घाटी के न्याय पंचायत हरमनी में जिला दिव्यांग पुनर्निवास केंद्र पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग और शार्प विकलांग समिति के सहयोग से लगवाया गया है। जिला दिव्यांग पुनर्वास के नोडल अधिकारी ब्रजमोहन नेगी ने बताया कि विकासखंड नारायण बगड़ में रविवार, सोमवार व मंगलवार को आयोजित किए जाने वाले बहुउद्देशीय शिविर में दिव्यांग जनों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रचार प्रसार जो तिथियां थी, जैसे आज हरमनी न्याय पंचायत का पंचायत भवन पे था, कल जो है भगवती का पंचायत भवन पे है, परसों जो है न्याय पंचायत जाग पाठियों का स्थान चोपता में, पंचायत भवन चोपता में, और न्याय पंचायत नारायणबगड़ का विकासखंड के सभागार में। फिर भी हमने अपने सभी कर्मचारियों से ये कहा है कि जो इन क्षेत्रों से छूट जाते हैं, 10 तारीख को सभी लोगों, अन्य न्याय पंचायत के लोगों को भी अवगत करा दें। और साथ ही जैसे अभी आप लोगों से मेरी बात हो रही है, तो उन्होंने ये कहा कि दिव्यांग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन में कोतवाली रानीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और 15 कारतूस बरामद की है। SSP ने बताया कि अपराधी अब्बास उर्फ राजू बेचैन 2019 में कुख्यात सट्टा किंग गैंगस्टर कलुआ सूफी को दिन दहाड़े गोली मारकर चर्चा में आया था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस खूंखार अपराधी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। ये जो हमारा पुलिस महानिदेशक का आदेश के अनुसार जो है इस महीने में जो है हम ऑपरेशन क्राइम ड्राइव, इसमें जो है हमारा जनपद में जो भी इनामी अपराधी है, वांछित अपराधी है, उनका जो है कानूनी कार्रवाई करके उनको पकड़ के ये करने का ड्राइव चल रहा है। इसमें और गहरे से पूछताछ करने पे जो है और तलाशी लेने पर जो है उनसे एक 9mm का पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस। लक्सर में गन्ना जिला अधिकारी ने गन्ना सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के 3 कर्मचारी उन्हें नदारद मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। DCO शैलेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा गन्ना सहकारी समिति के कर्मचारियों की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कर्मचारी सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं, और कुछ यहाँ पे जो बैलेंस शीट का हमारा काम काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा था, उसी के बारे में कुछ निरीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित था मेरा, उसी के सिलसिले में आज यहाँ उचित निरीक्षण किया गया।
हालांकि निरीक्षण में दो तीन कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनकी एब्सेंटी हमने लगा दी है और उनका स्पष्टीकरण भी इसमें रख किया जाएगा। इसके साथ ही बैलेंस शीट की समीक्षा की है तो उसके काम की प्रगति संतोषजनक है, आगे हमारे कर्मचारी मेहनत से काम। जनपद नैनीताल के राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट में बहुउद्देशीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। एससीपी योजना के तहत ग्राम पंचायत घूना में 47 लाख की धनराशि से निर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने किया। इस दौरान विधायक संजीव आर्या भी मौके पर मौजूद रहे। शिविर में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट व कोरोना संक्रमण बचाव किट भी वितरित किए गए। अपने संबोधन में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा कि सरकार की योजनाओं से कोई लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। वहीं 11 पंचायत की करीब 15,000 जनसंख्या पर एक अस्पताल है, लेकिन उसकी भी हालत इस वक्त जर्जर बनी हुई है। चिकित्सालय बछेली खाल की स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में सिर्फ 3 कर्मचारी मौजूद हैं, जिसमें से एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय शामिल है। सफाई कर्मचारी कई महीनों से पहले रिटायर हो चुका है, जिसके बाद से अस्पताल में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में जो स्टाफ है वो भी रोज नहीं आता। डॉक्टर का काम जो है वो एक एनएम करेगी, एनएम का काम आशा करेगी, वार्ड बॉय करेगा डॉक्टर का काम, अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, ऋषिकेश में बैठे बैठे अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे इतनी डॉक्टर जो है एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड देश में एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन मानी जाती है डॉक्टर की, जब डॉक्टर इस तरीके से गद्दारी करेंगे जनता के साथ, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी। मैंने दोनों को बड़ोनी से पूछ के पता चला कि उनके डॉक्टर की तो अभी पता चला कि बच्चे की तबीयत खराब थी, मैंने उससे टेलीफोन पे बात की थी, और फार्मासिस्ट का कल स्विच ऑफ था, तो मैं आज उनका स्पष्टीकरण करके 11 ग्राम पंचायतों के बीच में कम से कम 12 से लेकर के 15,000 जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इतना ही नहीं, वो अस्पताल जो है वो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और यात्रा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ पर न तो डॉक्टर है और न दवाइयाँ हैं। इसको लेकर के क्षेत्र के लोगों में बड़ा रोष है और उन्होंने आग्रह किया है यूनानी अधिकारी टीडी गढ़वाल से कि वहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति तत्काल की जानी चाहिए, अगर नहीं की जाती है तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखना है किस तरह की वहाँ पर कार्रवाई की जाती है और डॉक्टर की नियुक्ति और फार्मासिस्ट कब वहाँ पर जो है बाकायदा अपनी सेवाएं देते हैं, ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से प्राइम टीवी के लिए मैं वाचस्पति रहा। बीती रात भारी बारिश की वजह से विकासखंड खिरसू के 9 गांव में भूस्खलन से काफी नुकसान हो गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विजय ने गांव का दौरा किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नुकसान का जल्द आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे ग्रामीणों को नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। डीएम ने निरीक्षण के दौरान गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के आदेश भी जारी किए। पैठाने के पास में ग्राम 9 गांव है, वहाँ पे कंडार से पट्टी में, तो वहाँ पे जो है कल रात को भारी बारिश की वजह से कुछ मलबा गांव में आ गया था, उसके वजह से 4 गौशाला है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। किसी भी प्रकार का मकान को क्षति नहीं हुआ है और किसी के भी घायल होने की अथवा किसी के भी जान माल की नुकसान कोई नहीं। सरोवर नगरी नैनीताल में कुआऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के संयुक्त कर्मचारी महासंघ चुनाव में विजयी हुए उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी लगातार 26वीं बार महासंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के बाद निर्वाचित कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर निगम की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी मांग की जाएगी। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो वार्षिक अधिवेशन देहरादून में हुआ था, उसमें मुझे 26वीं बार अध्यक्ष बनने का उन्होंने अवसर दिया और साथ ही साथ हमारी पूरी कार्यकारिणी को भी अवसर दिया, और हमारी कार्यकारिणी जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी वो कार्यकारिणी माननीय मुख्यमंत्री जी से देहरादून में मिली, माननीय पर्यटन मंत्री जी से देहरादून में मिली, और माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी के समक्ष हमारे निगम में जो लंबे समय से दैनिक वेतन में दोनों निगमों में काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण।
और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।